रूबीना दिलैक को आ गई है गहरी चोट। खतरों के खेल में रूबीना हो गई है जख्मी। वेल, आखिर कैसी है रूबीना की तबीयत, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना, रूबीना दिलैक को गहरी चोट आ चुकी है, वो भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के दौरान। वेल, रूबीना के नेक और शोल्डर एरिया में इंजरी आई है और रूबीना ने ये अपडेट अपने व्लॉग में अपने फैंस के साथ शेयर की है और बताया कि आखिर कैसे उन्हें ये इंजरी आई। वेल, गनीमत है कि रूबीना दिलैक को स्टंट के दौरान ये इंजरी नहीं हुई, बल्कि रूबीना को स्टंट करने के बाद ये गहरी चोट लगी है। वेल, हुआ यूं कि रूबीना स्टंट करने के बाद वापस लौटी तो हवा से एक मेटल स्टैंड ही उनके शोल्डर पर आकर गिरा, जिसकी वजह से उनके नेक और शोल्डर एरिया में बहुत गहरी चोट आ गई, जिसके बाद सीधा रूबीना दिलैक को रश किया गया एक हॉस्पिटल में, जहां उन्हें 5 से 6 घंटों तक की ट्रीटमेंट मिली और इसी केयर और ट्रीटमेंट के साथ रूबीना फिर से फिट एंड फाइन हो गई और डॉक्टर्स ने उन्हें कर दिया डिस्चार्ज। वेल, फिलहाल रूबीना एकदम फिट और फाइन है और कर रही है अपने स्टंट्स को परफॉर्म। वेल, रूबीना को हमेशा से ही वन वुमन आर्मी कहा जाता है और वो हमेशा से ही अपने स्टंट्स लेती नजर आई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजरी के बावजूद भी रूबीना अपना 100% देने वाली है। वेल, आपको रूबीना दिलैक की परफॉर्मेंस खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में कैसी लगती है, जल्दी से कमेंट करिए और हमें बताइए। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।